राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। आज नवरात्रे का पर्व चल रहा है और दूसरा नवरात्रा है, तो इस उपलक्ष में माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के लिए आए थे तो महाकालेश्वर कुछ समय के लिए रुकना हुआ। तो ये जो पीछे आप नदी देख रहे हैं तो ये ब्यास नदी बह रही है और इसके पीछे ये मंदिर का दृश्य भी आपको दिखा दूं। तो ये पुरातन मंदिर है, ये देखिए, ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं पीछे, तो ये सभी पुरातन मंदिर है। अब ये खंडनुमा हो चुके हैं लेकिन भगवान शिव की जगह उधर पीछे है। तो नवरात्रे के अवसर पर मैं आपको राहु महाराज का एक उपाय देने जा रहा हूँ। ऐसी आशा करता हूँ कि वह उपाय आपके लिए बेहद ही कारगर व लाभदायक सिद्ध होगा। आपने कई बार कई लोगों को या कई ज्योतिषियों को देखा होगा कि वह अपने हाथ के अंगूठे में, जैसे कि मैंने पहन रखा है, इस तरह का चांदी का छल्ला धारण करते हैं। तो दिमाग में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, किस ग्रह का है ये उपाय। आमतौर पर लाल किताब में लिखा है कि जो अंगूठा है ना वो शुक्र से संबंध रखता है, लेकिन शुक्र में राहु और केतु दोनों का संबंध है। तो जब भी हम अपने अंगूठे में छल्ला धारण करते हैं, वो भी खासकर चांदी का छल्ला, ये धारण करना है जब भी अंगूठे में चांदी का ही करना, और किसी धातु का नहीं करना या कोई और धातु मिक्स करवा कर नहीं करना। शुद्ध चांदी हो, तेजाबी चांदी हो, ये आप सुनियार से बोल सकते हैं, उसको बोलकर ही शुद्ध चांदी या तेजाबी चांदी बनवाएं। तो ये जो अंगूठे में छल्ला हम धारण करते हैं, ये यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए ये उपाय किया जाता है। खास तौर पर शुक्र ग्रह में भी खास तौर पर इसमें जो उपाय होता है वो राहु ग्रह से संबंधित होता है। तो जब भी हम अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करते हैं तो इससे हमारा राहु ग्रह शांत होता है। राहु जब भी शुक्र को खराबियां दे रहा हो, ठीक है ना, या शुक्र के फलों को खराब कर रहा हो, तो चांदी का ये छल्ला आप अपने अंगूठे में धारण कर सकते हैं। शुक्र में जो राहु का भाग है ना वह शांत हो जाएगा और केतु अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अब जो शुक्र को खराबियां मिल रही थी राहु ग्रह के द्वारा, वह नहीं मिलेंगी और शुक्र ग्रह आपका ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये छल्ला धारण कब करना है। तो अगर अमावस्या की रात हो तो सबसे बढ़िया, रात को नहीं करना, अमावस्या का दिन हो तो उस दिन अगर ये छल्ला धारण किया जाए तो ये सबसे बढ़िया है। इसके अलावा हम बृहस्पतिवार को भी ये छल्ला धारण कर सकते हैं, करेंगे दोपहर 3 बजे के बाद ये छल्ला धारण। उसके अलावा चंद्रमा सोमवार का दिन भी अच्छा है इस छल्ले को धारण करने के लिए। तो जब भी ये छल्ला धारण करें उस दिन कुछ ना कुछ राहु ग्रह से संबंधित, चंद्र ग्रह से संबंधित, शुक्र ग्रह से संबंधित दान भी करें, जैसे गाय को हरा चारा खिला दें, चावल दूध का दान कर दें, ठीक है, और मंगल की चीज़ों का दान भी बढ़िया रहता है, यानी कि हम सौंफ का दान कर दें, कोई मीठे का दान कर दें, तो इससे आपको राहु ग्रह से जुड़े हुए जो दुष्परिणाम शुक्र ग्रह पर आ रहे हैं वह दूर होंगे और राहु ग्रह जो खराबियां दे रहा है आपकी कुंडली में वह ठीक होती हुई नज़र आएंगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, इसको करने से आपको बेहद लाभ होगा और शुक्र से जुड़े हुए दुष्प्रभावों में कमी आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।